अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने कबूतरों को बाहर खोला हुआ है। ये देखे पानी में इंजॉय कर रहे हैं सारे और दाना पानी खा रहे हैं। देखे कुछ धूप इंजॉय कर रहे हैं कुछ बच्चे और कुछ दाना पानी खा रहे हैं दोस्तों। तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही और ये सब इंजॉय कर रहे थे, पानी वगैरह पी रहे थे, दाना वगैरह खा रहे थे। और ये देखे दोस्तों, इनको ताला लग गया और इनकी ताले की मुझे चाबी नहीं मिली, तो मैंने इनको अंदर ही दाना डाल दिए। तो अभी इनको पानी का कोई बना दे सिस्टम के पानी इनको अंदर कैसे डालना है, तो फिर देखते हैं इनका ताला कैसे खोलना है। अभी यहाँ पहले तो ताला खोलने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर एक कबूतर उड़ रहा था, हमारा नहीं था, किसी और का था। तो वो आके उधर उस घर के ऊपर बैठ गए उस जगह पे। तो मैं वो मुझे प्यासा लग रहा था, जैसे कि मैंने देखा कि वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने वहाँ और पानी डाला। ये देखें गैलन पड़ी है, मैंने जैसे ही और पानी डाला तो वो कबूतर उड़ के इस तरफ आना शुरू हो गया। तो मैं दोस्तों, ये देखें, ये वो कबूतर है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर अंदर हो गया और वो कबूतर पहले उड़ के ऐसे यहाँ से आगे चला गया, फिर वो वापस घूम के उस जगह बैठा। और जैसे ही वो पानी में पीने गया तो मैंने जाके पानी उसने पिया और मैंने उसको पकड़ लिया। ये वाला दोस्तों माशाल्लाह कबूतर है। तो आप दोस्तों ने बताना है कि माशाल्लाह कैसा है। बड़ा अच्छा मुझे तो लग रहा है देखने में, बड़ी खूबसूरत मुझे तो लग रहा है। जब उड़ रहा था तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था, तो जब आया तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा और बड़े अच्छे कबूतर, बड़ा कबूतर है बड़ा। और ये पता नहीं अभी मेल है या फीमेल है, लेकिन मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। तो अभी इसको छोड़ते हैं और ताकि ये दाना पानी खा पी सके, यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। देखते हैं दोस्तों ये क्या करता है। यहाँ पर पानी भी पड़ा है और दाना भी पड़ा है, तो देखते हैं अभी खाता है। देख दोस्तों, मुझे तो ये मेल लग रहा है और ये परमोज है थोड़ा थोड़ा ना, देख रहे हैं दोस्तों परमोज है ये। तो बड़ा ही अच्छा मुझे तो लगा है, देखते हैं क्या करते हैं। तो बड़े ही आज यहाँ पर जब से हम आए हैं तो हमने आज पहली दफ़ा हमने पिजन्स पकड़ा है। तो पहले तो वरना हमारे पिजन ही उड़ के जाते थे, कोई और हमारे पिजन पकड़े देते थे। तो आज हमने पहली दफ़ा पिजन्स पकड़ा है। जैसे कि आपको पता है हमारे पैरट्स भी उड़ जाते थे, एक दो दफ़ा हमारे पैरट्स भी उड़े, एक दो दफ़ा पिजन्स भी उड़े, लेकिन अभी हमने यहाँ से पकड़ लिया है ये पिजन। और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा है, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया है, और बड़ा ही अच्छा मुझे तो लगा है। और इसको आपने बताना है कि हम रखें या ना रखें। और मुझे तो बड़ा ही अच्छा और प्यारा लगा है पिजन्स, ये जो पिजन है माशाल्लाह बड़े अच्छे पिजन है ये। और बाकी चेक करें ना, अंडे देखे भी पिजन थोड़े बैठे हुए हैं, देख सकते हैं अंडे दिए हुए हैं, ये अंडे दिए हुए हैं, ये अंडे दिए हुए हैं, ये बच्चे हैं और ये साथ इनके अंडे हैं माशाल्लाह से। ये भी देखें मेल अंडों पे बैठा हुआ है, फीमेल नीचे दाना खा रही है। और जैसे कि ये देखें मेल अंडों पे बैठा है, मेल अंडों पे बैठा है, फीमेल दाना खा रही है। और यहाँ पर तो माशाल्लाह बच्चे भी हैच हो चुके हैं दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर तो बच्चे भी चिक्स भी हैच हो चुके हैं, देख सकते हैं आप बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है इनकी, जो माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें ये दोस्तों फीमेल्स का बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, तो इसको ज़रा ये देखें, देखते हैं अभी आप देखें माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा बच्चा है। और बाकी ये एक बच्चा है और सारे देखें कुछ बच्चे नहा रहे भी हैं पानी में माशाल्लाह, कुछ वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह दोस्तों ये भी एक बच्चा है, ये देखें दोस्तों इसने भी, इसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं जो कि वो बैठे हुए हैं वो, और इसका बच्चे भी बड़े हो चुके हैं जो कि अभी निकल के गए हैं, ये बैठे हुए हैं। ये जो ब्लैक बच्चा नहीं है इनका है, और इसके साथ टैडी बच्चा भी इनका है, ये हम टैडी इनके नीचे फॉस्टर किया था। और दोस्तों बड़ी मुझे अच्छा लगा आज, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास एक दो नए पेयर आए हैं, एक पेयर ये है, ये तो फुल अंडे देने की तैयारी में है, और एक पेयर ये है, ये देखें ये फीमेल है और वो मेल है। और ये ज़रा भी थोड़े बहुत इतने नहीं है चलाक, लेकिन वो बड़े चलाक हैं, वो तो फुल अंडे देने की तैयारी में आ चुके हैं। और देखते हैं ये कितने दिनों में अंडे देते हैं और कितने अंडे देते हैं और कितने बच्चे हैच करते हैं। वैसे तो कबूतर आमतौर पर दो ही देते हैं और दो ही हैच करते हैं, इनकी ये अच्छी बात होती है कि दो ही अंडे दे देते हैं और दोनों ही हैच कर लेते हैं, इनमें वो मसला नहीं आता। लेकिन जो है हमारे पैरट्स छः देते हैं अंडे, सात देते हैं, लेकिन बच्चा एक दो निकालते हैं। तो कबूतर तो दो ही अंडे देते हैं और दोनों ही निकाल लेते हैं। पैरट्स को भी चाहिए कि वो पाँच छः अंडे देते हैं, तो चलो तीन चार बच्चे तो निकालने चाहिए। तो पैरट्स में ऐसा नहीं हो रहा अभी तक, लेकिन पिजन बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दे रहे हैं। तो दोस्तों
तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज की वीडियो यहीं तक थी। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।